तो गाइस सबसे पहले आप व्यू का मजा लो, मतलब क्या ही वेदर हो रखा और कितना प्यारा व्यू है, मतलब एकदम देखते ही है ना मन लगता है यहाँ पे। तो चलो व्यू को एंजॉय करो आप लोग भी हमारे साथ। केव में ये वाले रास्ते हैं, नैरो नैरो से अब ऊपर जाते हुए जाएंगे। अब कितना दूर है, कितनी सीढ़ियां हैं वो तो पता नहीं, काफी ऊंचाई पे है जैसे कि आप उधर देख रहे होंगे। क्यों नहीं चलो, रेनकोट पहन के कैसे बन गए हम, हल्की हल्की सी बूंदे आ रही है तो यही भिगो देंगे हमें, तो इसलिए फिर हम जा रहे हैं। 500 सीढ़ियां बता रहे हैं, अभी तो पूरी कवर करी है और अभी नीचे केव है, चलो दिखाते हैं नीचे क्या। ये यहाँ से व्यू रहेगा और ये देखिए देखो यहाँ पे ये देखो भाई क्यों कट के बनी हुई है और ये कैसे लटक रही, नीचे पानी है और ये यहाँ पे पानी है, नजर तो नहीं आ रहा होगा बट सेम हियर, वहाँ पे भी ऐसे ही है और ये किस तरह से कट के बनी हुई है ऊपर देखो, हाँ ऐसे देखो धीरे धीरे सामने पानी आ रहा है बिल्कुल। ये देखो ये पूरा नेचुरल है, ऊपर से सेक देखो आप कैसे की हुई है, अंधेरा है अच्छे से नज़र तो नहीं आ रहा, नेचुरल बनी हुई है। हाँ और ये उधर क्या बोल रही है पता नहीं, जापानीज लोग भी अंदर 10,000 स्क्वायर फुट है पूरा, ये देखो भाई ये सब नेचुरली बनी हुई है, नज़र भी तो नहीं आ रही है अंधेरे में, नज़र भी तो नहीं आ रहा ना, ये एलिफेंट है हाँ नेचुरली बना हुआ है। और भाई ये पता नहीं, हाँ आ गया ऊपर आ गया बड़ी ही, ये देखो पानी नहीं है तो इसको निकाल दे, ये देखो एक ही जा सकता है यहाँ से, दो जा ही नहीं सकते हैं इतना भीड़ और नैरो, आगे 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 चल चल ठीक है। और ये देखो वाव क्या है, ये पत्थर देखो भाई, अंधेरा है इतना अच्छा तो निकाल लो पहन लेंगे फिर, भाई रेनकोट पहना हुआ है ना, अंधेरा है साफ तो नजर नहीं आ रहा, रेनकोट है निकाल देते हैं क्योंकि केव के अंदर आ गए ना, अब थोड़ा सा आया है केव के अंदर आ गए तो सोचा चलो निकाल देते हैं, ये सब नेचुरली तरीके से बनी हुई केव है, कैसे गुफाएं उसी से तो बनी हुई है ये भाई, स्पेस भी कितना है यहाँ पे है ना, नेचुरली रूप से बने हुए हैं वो, देखो कैसे खड़ा पिलर जैसे किस तरीके से खड़ा है, ये देखो जैसे बनाई गई है ऐसे लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है,
और ये तो देखो जैसे नेचुरली रूप से बना हुआ, बट ये ऐसा लग रहा है जैसे बनाया गया है पूरा सपोर्ट देने के लिए इसको। कृष्ण की एक उंगली वाला काम कर रहा है ये वाला पिलर। और ये देखो सेम हियर, भाई क्या बात है भाई। अंधेरा है तो नज़र तो कम आ रहा है, बट सच्ची बताऊँ तो मतलब क्या देव है ये जो नेचुरल रूप से बनी हुई है, जैसे बनाई गई है, मतलब इस तरह से कटिंग हो रही है इनकी पानी से। ये देखो भाई ये वाव, ये देखो यहाँ पे फोटोग्राफी भी आप फोटो निकलवा सकते हो। ये देखो और भाई यहाँ पे वैसे लाइटिंग का तो अरेंजमेंट किया गया है, अंधेरा नहीं है, लाइटिंग है, पानी भी है कहीं कहीं जगह जगह पे, पर क्या व्यू है ये। ओ भाई ये देख, कितनी लंबी लाइन लगी यहाँ पे भी देखो, अंधेरा है, क्लियर नजर नहीं आ रहा, अंधेरा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। और देखो भाई अंधेरा है तो बनाने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, फिर लाइटिंग आ जाती है तो ये पानी ऊपर से आके देखो कितना जमा हो गया यहाँ पे। ये देखो ये वाला, ये यहाँ से आओ ये, और यहाँ पानी आ रहा है तो जल्दी निकलो। ये देखो मतलब मैंने इतना बना दिया ना, इतना रिकॉर्ड कर लिया कैसा करता सारा, वो पानी आ गया, पानी 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 यहाँ पे पानी आ रहा है। आ जाओ देखिए यहाँ बारिश आ रही है ना, कोना को ये देखो। और ये भाई टर्टल बना हुआ है यहाँ पे, क्या है समझ में तो नहीं आ रहा, अंधेरा भी अच्छे से नजर भी नहीं आ रहा, यहाँ पे डॉलर भी है, डॉलर पड़े हैं हाँ। तो ये कुछ यहाँ पे हमें तो पता नहीं क्या होगा, कुछ जो भी है तो इस तरह से, और पानी ऐसे टपकता रहता है जैसे आवाज़ आ रही होगी, और ये धीरे धीरे टपक टपक के पानी बह बह के तो पानी ने बना दिया है यहाँ पे बहुत अच्छा केव। तो मतलब ये केव मतलब देख के कह ही नहीं सकता, ये पानी से खुद से नेचुरल रूप से बना हुआ, पहाड़ों से कट के जैसे बना है। क्या ही देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, साइडों में देखो, पानी वैसे मिल ही जाएगा थोड़ा थोड़ा क्योंकि पानी टपकता रहता है यहाँ पे, वो देखो ऊपर वहाँ पे जैसे पॉइंट हुए करते हैं फाइव पे तो नजर टपक रहा है, तभी तो बन रहा है ना देखो। तो भाई इस केव में अराउंड 500 स्टेयर्स हैं पूरी गुफा में ऑल ओवर, और सामने से लाइट आ रही है लेकिन मेरे चेहरे पे अब भी अंधेरा है, और काफी अच्छा बना हुआ, मतलब नेचुरली रूप से जो बना हुआ ना तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, देखने योग्य स्थान है मतलब। और पानी तो आवाज़ आ रही है, चलता ही रहता है क्योंकि पानी की बदौलत ही इतनी अच्छी केव बनी है, जो पहाड़ों से झड़ता रहता है पानी और ये केव बनी है। फिर ये है कि कुछ यहाँ के सरकार ने गवर्नमेंट ने मैंने लाइटिंग करके इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ पानी नहीं, फिर इसको ऐसे जैसे लाइटिंग करके इसको बना दिया है। ये देखो भाई यहाँ से एग्जिट है पूरी केव का, और ये भाई वहाँ पे क्या है पता नहीं, शॉप से शॉपिंग करने के लिए यहाँ से फोटोग्राफी करवा सकती हूँ आप यहाँ पे।
तो ये यहाँ पे कुछ भाई शो पीसेज हैं। नहीं वो चॉइस दे रहे थे, एक करनी है एक कर लो, दो करनी दो कर लो, जिनको थोड़ा अकेले डर लगता है स्विमिंग भी ना, ते डर ही लगता हमें तो नहीं जैकेट है जैकेट से डूबेगा तो ना इंसान, फिर भी डर लगता भाई। और अभी नीचे जाते हुए वहाँ पे हमारा क्रूज है जो कि नीचे आ जाएगा और फिर उसमें जाएंगे। हाँ भाई, हाँ और भाई हमने बाय किया है कोकोनट वाटर, बट इसमें एडेड शुगर है और इसमें साथ ही साथ वो भी है कोकोनट के पीसेज भी डाले गए हैं। हल्की हल्की बारिश है, बंद भी हो जाती है फिर आ जाती है, ये माहौल हो रहा है अभी का यहाँ पर। अभी हमारे क्रूज का है वो दिखाती है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, चारों तरफ माउंटेन है और बीच में ये देखो ये क्रूज है, चारों तरफ इसके पहाड़ है और बीच में क्रूज है और सब जा रहे हैं धीरे धीरे। मेरे साथ जाओगे फिर नाम ही भूल गई भाई, क्या बोलते हैं इसको, काइंग क्या बोलते हैं। हाँ तो भाई छोटी सी बोट में हम आ गए हैं, ये देखो खूब इंजॉय कर रहे हैं, छोटी छोटी सी बूंदे आ रही है ठीक है। और यहाँ का चारों तरफ मैं दिखा देती हूँ आपको, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं तो, ओए गिराओगे मेरे को। ये हमारे ड्राइवर साहब है पीछे चला रहे हैं, मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ क्योंकि आगे ड्राइवर मैं हूँ, लेकिन मैं ये भूल जाती हूँ मेरे को लाइफ जाना है, राइट जाना है, कौन सा चप्पू चलाना है, तो हो जाता है। तो व्यू देखो यहाँ का मस्त एक नंबर का, ये देखो ये चारों तरफ है ठीक है। और यहाँ पे हम भी करते हुए फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस एक नंबर का मजा आ गया, मतलब पैसे वसूल है ठीक है। तो पहले मैं डर रही थी, ना स्विमिंग आती ना कभी किया था, तो बैठने के बाद काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, तब इंजॉय करते हैं फटाफट पहुंचते हैं। आगे केव है, केव में से निकलते हैं तो एक बड़ी वो भी आती है यहाँ से बोट ठीक है, तो उससे टकराते, एक बार हम भी टकरा गए थे और एक बंदे की वहाँ पलट भी गई थी ठीक है, लेकिन वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं था तो सेफ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ठीक है। तो बस अभी हम पहुँचते हैं, थोड़ा और चलाते, वैसे हमारे पास आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे के लिए चलाना हमें, हो गए होंगे 15 मिनट तो हो गए होंगे हमें, 10-15 मिनट तो चलो एंजॉय करते हैं हम अपनी राइड। ये देखो भाई इसमें से निकलना तो आगे हो भी है। उधर लाएगी, उधर जाएगी, लगी 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 लगी, पानी पानी पानी, बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए। ओ भाई ये देखो बोट है, उस तरफ करो उस तरफ करो। चलो भाई प्रांजल भी आ गए, भागो जल्दी जल्दी भागो जल्दी, स्पीड दिखाओ स्पीड, स्पीड इधर कर इधर, अरे गलत ड्राइवर साहब उधर। हाँ 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 हाँ, आगे करो आगे, अरे ठोकेगा आगे प्रांजल। क्या हो गया, क्या लग गया कान में, गिर गए भाई पानी में, वो गिर गए। अरे इनको आने दो भाई, अरे भैया इनको ले ले, पीछे से पीछे से घुमा के उधर ले आओ, आओ जल्दी आओ, ओए अब ले लो आगे से, तुम रह के ले आओ बेटा, आगे आगे चलाओ आगे,
पीछे क्यों चला रहा गच घुमा उस उतरो फटाफट हम अकेले उतर के बगैर उसकी स्पोर्ट के साइड में लगा साइड में कर ठीक करवा दो उनका अपने आप को यहाँ से उतरना बहुत भारी काम है भाई फर्स्ट टाइम की है भाई मजा आ गया एंजॉय किया हालांकि कई बार तो चक्कू इधर उधर चल रहे थे आगे पीछे टर्न कैसे करते कोई आइडिया नहीं था पर मजा बहुत आया ऊपर थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही थी बस चलो एक कमरे बना लूंगा एक कमरा परचेज कर लेंगे बताऊं कितनी होगी एक अभी मैं क्यों होने वाली है पैसे मांग लूंगा।